ऐसा किस तरह हो सकता है कि जिस मोहब्बत की मुद्दत का मैंने 4.5 साल शोक मनाया हो वो मरी ना, क्योंकि तुम्हारा दिल खैरत के हक में गवाहियां पेश कर रहा है। आज भी जिंदा तो फिर ऐसा क्यों है? ये मेरी बेटी है हरीम हुसैन। बदकिस्मती से मेरी बेटी के बायोलॉजिकल फादर आप हैं। इसको दुनिया में लाने का सबब आप हैं। मैं मर्द होकर ये शौक सह नहीं पाया तो उनको किस तरह समझाऊंगा? बोलो। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला सिर्फ हरीम की सेहत है। जैसे ही वो सेहत याब हो जाती है हम यहां एक पल नहीं रहेंगे। तुम उससे नफरत करते हो और वो तुमसे तुम्हारी नफरत से ज्यादा नफरत करती है। तुम उसे गलत समझते हो और वो तुम्हें गलत समझती है। अब इस सूरत में दोनों तो सही नहीं हो सकते, दोनों काबिले नफरत भी नहीं हो सकते और दोनों तो जालिम नहीं हो सकते। मैं जानती हूं ये मामूली सी बात है, लेकिन झूठ तो झूठ होता है ना। मेरे अब्बू कहा करते थे, झूठ बोलना सिर्फ पहली बार आसान होता है, उसके बाद मुश्किल ही मुश्किल होती है, और सच बोलना पहली बार मुश्किल, उसके बाद आसानी ही आसानी होती है। खैरत कच्ची मिट्टी की तरह है, तुम जिस सांचे में ढालोगे वो ढल जाएगी। अगर जिंदगी में उससे कोई गलती हो जाए तो उसकी सादगी जान के उसको माफ कर देना। क्या हुआ शरसान, क्या सोच रहे हो? यही ना कि तुम एक ऐसी औरत को चाहते हो जिसने तुम्हारी चाहतों का पास नहीं रखा, जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी बेइज्जती की, जिसने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना डाला, जिसने तुम्हें खुद अपने ही आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा, नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्यों क्यों तुम्हारा दिल उसी की तरफ खींचा जा रहा है? क्यों तुम्हारा दिल उसे बेकसूर मानने को तैयार है, उसे माफ करने को तैयार है? क्यों तुम्हारा दिल उसके हक में गवाहियां पेश कर रहा है? क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम बगैरत हो। तुम्हारा दिल उसे अपनाने के लिए तैयार हो गया है। खुदा मुझे इस आजमाइश से निकाल ले।